नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का आइडिया एकदम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लगभग लगभग 50% कमेंट आपके मुझे यही देखने को मिल रहे हैं कि भाई मेरा 2019 का एडमिशन है ना, और मेरे एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं, मेरी जो परीक्षाएं हैं वो कब होंगी। ठीक है, 2019 यानी कि सेकेंड ईयर के छात्र हैं ना, सेकेंड ईयर वालों की बात कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर। ठीक है, सबके कमेंट यही है। अब इतने सारे छात्रों के रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो में सभी चीज़ सुन लो मेरे ध्यान से। देखो भाई, आपकी जो परीक्षा है वो अभी तक जो डेट अभी डीजीटी ने बताया है, जिसे मैंने आप लोगों को प्रॉपरली बता पांच भी दिया फेज था, में आप लोगों के जो है परीक्षाएं यहाँ पर कराई जानी है। ठीक है, अब ये जो पांच फेज हैं ये कब तक इन चलेंगे भैया? ये चलेंगे आपके 31 जनवरी तक। ठीक है, 31 जनवरी जो है डियर इसकी डेट है। ठीक है, अब देखो, जो 4 से 9 जनवरी तक जो एग्ज़ाम होने हैं वो लगभग लगभग इसमें 1 लाख छात्र पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके बारे में मैंने वीडियो में आपको डीपली बताया भी था। ठीक है, अब देखो, 1 लाख छात्र, अब हो रहे कितने? बहुत सारे छात्र हो रहे हैं, मैंने काउंटिंग भी नहीं की है अभी तक, तो इतने सारे छात्र एक साथ तो पेपर हो नहीं सकता। पहले हो सकता है इन 1 लाख में आप हों या फिर नहीं हों, तो जो हैं वो तो मुझे कमेंट नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरा एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो देखो, 31 जनवरी आपका जो है पेपर होने हैं आपके सेकंड ईयर के, जिन्होंने फेज लिस्ट जारी की है। अब 31 जनवरी से पहले पहले आप सबके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। अब हो सकता है आपका थर्ड फेज में हो सकता है थर्ड में ना हो करके फोर्थ में हो सकता है जो जिसका फोर्थ में भी नहीं है फिफ्थ में हो जाए। तो इस प्रकार से आपके जो है भैया यहाँ पर फेज लिस्ट जारी की जाएंगी धीरे धीरे, और सबके आराम आराम से एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा दोहराने वाली बात नहीं है कि सब किसके एग्ज़ाम छूटेंगे या फिर नहीं छूटेंगे। अच्छा, कुछ छात्रों तो इस वजह से परेशान हैं कि 2019 वालों को प्रमोशन दिया गया है तो फिर एग्ज़ाम क्यों हो रहे हैं? तो भाई सुनो, 2018 वाले हैं, ठीक है, 2018 वाले और 2019 वाले, ठीक है, जिनकी फर्स्ट ईयर में बैक है, ठीक है, जिनकी फर्स्ट ईयर में बैक है, इन छात्रों को प्रमोशन की बात उन्होंने कही है कि इन छात्रों को हम प्रमोशन देंगे। 2018 वाले फर्स्ट ईयर के बैक, 2019 वाले फर्स्ट ईयर के बैक, तो इनको प्रमोशन दिया जाएगा। और भैया 2020 से 2022 सेशन के हैं, जिनकी 2 साल की ट्रेड है, वो तो भैया इसके महारथी हैं, ये तो है ही हैं, लेकिन इसके साथ फ्री में इनको भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इनके साथ साथ फ्री में इनको भी ऐड कर दिया गया है। मेन ब्रांच तो भाई 2020 वाली हैं, 2020 से 2022, जिनकी 2 साल की ट्रेड है। तो भैया सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम तो आपके चल रहे हैं, तो इसकी फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे आपके सबके एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे फेल लिस्ट जारी होती रहेंगी आप लोगों को सूचित करता रहूँगा मैं। ठीक है, फिलहाल अपना जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देखते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अपनी IIT के कांटेक्ट में रहो। ठीक है, अपनी IIT के संपर्क में रहो। अब हो सकता है फिर आप ना तो एडमिट कार्ड चेक करोगे, ना तो अपनी IIT के कांटेक्ट में हो, ठीक है, और ना ही फेज लिस्ट देखोगे, तो फिर हो सकता है फिर आपका एग्ज़ाम छूट जाए। तो भैया इन तीन काम में से कम एक के टच में तो आपको रहना ही रहना है। ठीक है, या तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देखो। अब डाउनलोड करके कैसे देखोगे? देखो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप लोग जो है वहाँ पर वेबसाइट पर जा करके क्लिक नाउ पर ऑप्शन के क्लिक आ जाएगा आपको, ऑप्शन वी में हमारी वेबसाइट वहीं पर है, तो वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड का। ठीक है, नीचे बस आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड देख लो। ठीक है, तो वहाँ से अपना जो है आपको प्रोफाइल बन अपना रोल नंबर वगैरह भरना है, और आपको डिटेल में वहाँ पर मैंने वीडियो बना रखा है वैसे, तो उसके वीडियो आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, कैसे आपको एडमिट कार्ड देखना है तो उसका भी लिंक मैं दे दूँगा। ठीक है, तो आप अपना एडमिट कार्ड चेक करके देख सकते हैं आपका आया है या नहीं आया है। अगर आ गया होगा तो आपका खुल जाएगा, नहीं आया होगा तो आपके जो है येलो कलर में पट्टी आएगी लिखी हुई कि आप एलिजिबल तो हो, बट आपको जो है मतलब कनेक्ट रहना है, आपको देखते रहना है अपना एडमिट कार्ड कब तक हो, या फिर अपने IIT कॉन्टैक्ट में। भाई सिंपल साधारण तरीका है, उनसे बात करके रहो, उनसे बोल देना कि भैया जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो हमें सूचित कर देना, वैसे तो सूचित कर ही देते हैं सभी छात्रों को। ठीक है, तो ये दो तीन तरीके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एग्ज़ाम सबके हो जाएंगे, फिक्र करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, सबके एग्ज़ाम होंगे, सबकी परीक्षाएं होंगी। तो इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर देना। ठीक है, जितने मैंने कमेंट आपके अधिकतर मुझे यही देखने को मिले थे, तो इस वजह से मैंने वीडियो यहीं पर आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ध्यान करता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ।